गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं रितेश अग्रवाल, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चों, हमने आपसे पिछले लेक्चर में बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कहां मिलेंगे। आपने डाउनलोड कर लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, थैंक यू। आज हम पार्टनरशिप, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा था, हमने जो फर्स्ट लेक्चर आपको फ्री दिया था उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था बताओ? उसमें हमने डिस्कस किया एलिमेंट, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप था, ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक को आगे लेते हैं कि एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो मैंने आपको 7 एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप बताए थे उनके बारे में हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट, ये आ गए 7th एलिमेंट। 7th एलिमेंट आपको जो मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे, आज उनका हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। 7th एलिमेंट कौन कौन से हैं एक बार याद कर लू। पुअर मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड रजिस्ट्रेशन, ये हमारे पार्टनरशिप के 7th एलिमेंट हैं। और इन एलिमेंट्स को हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं टू और मोर पर्सन। सबसे फर्स्ट हमारा जो होगा टू और मोर पर्सन होगा। टू और मोर पर्सन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी बिजनेस को करने के लिए आपको, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में, किसी बिजनेस का नाम क्या ले रहा हूं, पार्टनरशिप बिजनेस से है मेरा। किसी बिजनेस का मतलब क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस से है। और पार्टनरशिप बिजनेस में हमको पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 or more persons की रिक्वायरमेंट होगी। 2 or more persons की रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम कितने ले सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है कि पार्टनरशिप को करने के लिए, पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons। पार्टनरशिप का मतलब ही क्या है कि दो या दो से अधिक पर्सनों का एक यूनिटी है, ठीक है, एक संगठन है, ठीक है, जिसमें वो किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयरिंग करने के लिए एग्री हुए। उन्होंने वो यूनिटी क्यों बनाई है, उन्होंने वो यूनिटी इसलिए बनाई है कि वो अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में प्री डिटरमाइन रेशो में क्या कर सके, शेयर कर सके। जो पहले का प्रीनिश्चित जो रेशो है, पूर्ण निश्चित जो रेशो है, उसमें क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, क्लियर, ओके। दूसरी बात आती है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने पर्सन की आवश्यकता होगी। पहला डेफिनेशन ये था 2 or more persons, इसका मतलब एटलीस्ट 2 persons की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी 2। कम से कम एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 members तो होने चाहिए, 2 persons तो होने चाहिए, 2 partners तो होने चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। सर आपने गलत तो नहीं लिख दिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है सर, गलती से तो नहीं लिख दिया आपने इंडियन कंपनी एक्ट। नहीं बच्चों, मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने सही लिखा है 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 मैंने सही लिखा है। भैया जब कुछ भी अपन करते हैं प्रॉब्लम किसको होती है, पड़ोसी, प्रॉब्लम किसको होती है, पड़ोसी को, समझ में आया। तो यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो पड़ोसी है वो कौन है, इंडियन कंपनी एक्ट है। कौन है, कंपनी एक्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट है। इसको क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आई कि भैया इतने ज्यादा, इससे ज्यादा आदमी आप नहीं बुला सकते, यदि आप इससे ज्यादा आदमी जैसे आप बुलाओगे, जैसे इसके घर में शादी हो रही हो, जैसे शादी इसकी हो रही हो, लेकिन कानून ये लगा रहा है, इंडियन कंपनी एक्ट कानून लगा रहा है कि भैया आप अपनी शादी में 50 से ज्यादा नहीं बुला सकते, आप अपनी शादी में 50 से ज्यादा आदमी नहीं बुला सकते, यदि 50 से ज्यादा आदमी बुलाए तो मैं क्या कर दूंगा, पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। ये किसने बोला, पड़ोसी, पड़ोसी कौन था, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट का पड़ोसी कौन था, कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट ने रूल लगाया है 464 के अकॉर्डिंग कि आप ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर अपनी पार्टनरशिप में रख सकते हो, यदि आपको पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा हुए तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। क्लियर। अब पुलिस का रिपोर्ट का मतलब क्या है, मैं आपको आगे समझाता हूं कि 50 से 51 यानी 1% एक्स्ट्रा यदि आपने कर लिया तो क्या होगा आपके साथ, आपके साथ क्या होने वाला है वो देखो, कि आपके साथ क्या होगा, यदि आपने 50 मेंबर से एक मेंबर ज्यादा कर लिया तो आपके साथ क्या हो सकता है, अदरवाइज आपको अपना बिजनेस किसके रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपनी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारे शादी में शामिल होना पड़ेगा, हमारे घर में खाना खाने आना पड़ेगा, यदि आपने 50 से ज्यादा मेंबर रखे तो, 50 से ज्यादा मेंबर रखे तो आपको कंपनी के रूप में अपने बिजनेस को किसके रूप में, कंपनी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपनी के रूप में। या दूसरा ऑप्शन और दिया है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है लेकिन लिमिटेड लायबिलिटीज वाला, पार्टनरशिप में हमने क्या बताया था, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, लेकिन ये एक न्यू पार्टनरशिप एक्ट है 2008 में आया है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप 2008, ठीक है, इसे LLP भी बोलते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है, ठीक है। यदि आपने 50 से ज्यादा मेंबर रखे तो आपको अपना बिजनेस कंपनी या LLP के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आ गया, नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन करें। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे टू और मोर पर्सन में अपन वो 50 जो मेंबर है कौन कौन होने चाहिए, ऐसे नहीं है आने काने नहीं होने चाहिए, किसी का पैर टूटा पड़ा है, डिसेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे पर्सन आने चाहिए। 50% जो आ रहे हैं ना वो साफ सुथरे पर्सन आने चाहिए। 50% में हम क्या क्या शामिल करेंगे, ऐसे नहीं है कि कोई हैंडीकैप्ट आ रहा है, कोई ब्लाइंड आ रहा है ना, ऐसा पर्सन नहीं आने चाहिए, साफ सुथरे और सही आने चाहिए। तो भैया कौन कौन से पर्सन इस 50 में शामिल नहीं होंगे वो देख लेते हैं।
आ जाओ, 50 में कौन से पर्सन शामिल नहीं होंगे वो देखते हैं। ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा, उस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैंने आपको बताया था ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन एक्ट कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके सेक्शन 11 ने मना किया है कि भैया इन पर्सनों को मत लेके आना। माइनर, जो लेस 18 है, माइनर का मतलब जो लेस 18 है, जो गवर्नमेंट को वोट नहीं कर सकते, ठीक है, जो गवर्नमेंट को वोट नहीं कर सकते वो लेस 18 माइनर पर्सन बोला जाता है, उनको शामिल मत करना क्योंकि उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो उनको अपनी समझदारी नहीं होती है, तो उनको शामिल ना करें। क्लियर? और किसको शामिल ना करें भैया? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति, लुनेटिक पर्सन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो बिल्कुल पागल है, जो अपने बारे में सोच ही नहीं सकता, उनसे आप कॉन्टेक्ट मत करो, उनको इसमें पार्टनरशिप में इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। और जिस पर्सन को, तीसरा पर्सन किसको, जिस पर्सन को लॉ ने, कानून ने डिसक्वालिफाइड कर दिया है, जिस पर्सन को लॉ ने क्या कर दिया है, डिसक्वालिफाइड कर दिया है, लाइक इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित व्यक्ति, इंसॉल्वेंट, जो ने दुनिया का पैसा खा रखा है, उसे इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो जिस लॉ ने उसे डिसक्वालिफाइड कर रखा है, चाहे वो जेल गया हो, चाहे कैसे भी डिसक्वालिफाइड किया है, तो ये तीन पर्सन आपके 50 मेंबरों में शामिल नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है? चलो आ जाओ फिर अपन आते हैं नेक्स्ट। छोटी सी चीज और है इसमें कि केवल पार्टनरशिप बिजनेस में केवल वो ही पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, वो ही पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है जो लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज है, जो कानून ने जिसे रिकॉग्नाइज किया है, वो ही केवल पार्टनरशिप बिजनेस में मेंबर बनने के लिए क्या एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। अब आपको मैंने बता ही दिया रिकॉग्नाइज कौन नहीं है, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, वो ही केवल पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, जिसे कानून द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। यहां तक कि दो फर्म मिलके, दो पार्टनरशिप फर्म मिलके भी क्या नहीं हो सकती, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं खोल सकती, दो कंपनी मिलके नहीं पार्टनरशिप खोल सकते, दो नेचुरल पर्सन मिलके नहीं पार्टनरशिप खोल सकते, ठीक है, लेकिन दो फर्म मिलके नहीं क्या नहीं खोल सकती, पार्टनरशिप नहीं खोल सकती, क्योंकि लॉ द्वारा उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। देयरफॉर ए फर्म, एक फर्म को इज नॉट पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आईज ऑफ लॉ, कैन नॉट बी पार्टनर, ठीक है। लॉ की नजरों में जो फर्म है वो एक रिकॉग्नाइज पर्सन नहीं है, तो दो फर्म आपस में मिलके नहीं एक तीसरी फर्म नहीं खोल सकते, दो फर्म आपस में मिलके नहीं तीसरी फर्म नहीं खोल सकते हैं, दो कंपनी मिलके नहीं फर्म खोल सकती है, दो कंपनी मिलके नहीं एक फर्म ओपन कर सकती है, लेकिन दो फर्म मिलके नहीं एक तीसरी फर्म ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि कानून की नजरों में फर्म को एक रिकॉग्नाइज पर्सन नहीं माना गया है, एक ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं माना गया। क्लियर? क्लियर है? तो ऊपर भी मैंने आपको बताया था एक माइनर पर्सन को भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं माना गया है, माइनर कैन नॉट बी पार्टनर ऑफ ए फर्म, एक माइनर भी क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन यदि
बाकी के जो पार्टनर है, जो मेजर पार्टनर है, उनको वो माइनर पार्टनर बेनिफिशियरी लग रहा है कि ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सभी पार्टनरों की यानी अनएनिमस जो कांटेक्ट कंसेंट होता है उससे क्या कर सकता है, वो उसे एडमिट किया जा सकता है। माइनर पर्सन वैसे तो नहीं बन सकता, अपनी मर्जी से तो नहीं बन सकता पार्टनर, लेकिन बाकी के जो मेजर पार्टनर है उनकी सहमति से, उन सभी की एक सहमति से, ठीक है, वो पार्टनर बन सकता है। यदि एक ने मना किया तो नहीं बनेगा, ठीक है, सभी पार्टनरों की सहमति सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे वो क्या बन सकता है, माइनर पर्सन भी पार्टनर बन सकता है। बट मे बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद अनएनिमियस कंसेंट, ठीक है, सभी पार्टनर की एक सहमति से क्या बन सकता है, माइनर पार्टनर भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा टॉपिक हुआ, ये हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा, ये टू और मोर पर्सन वाला टॉपिक था, ये टू और मोर पर्सन वाला कंप्लीट टॉपिक हमारा हो गया। समझ में आया, क्लियर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। चलो, हमने टू और मोर पर्सन वाला जो ये टॉपिक था, टू और मोर पर्सन, उसमें हमने एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट और छह पॉइंट पढ़े, ठीक है, नोट डाउन कर लो, यदि नोट डाउन नहीं किया है तो फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नहीं नोट डाउन करना भैया, पहले ही बता देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नहीं नोट डाउन करना, लो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, है ना, कर लिया, तीन तो ये और तीन ये, नोट डाउन करो फटाफट। एक ये भी कर लो, सेवन। अरे कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं है तो आगे चलें, नहीं है चलो नोट डाउन कर लिया, सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं। एग्रीमेंट, सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है, एग्रीमेंट का सेकेंड एलिमेंट क्या है, एग्रीमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट, ठीक है, चलो एग्रीमेंट पर चलते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप करने के लिए टू और मोर पर्सन होना जरूरी है, पार्टनरशिप किसी स्टेटस से नहीं बनाया जाता है, पार्टनरशिप हमेशा जो की जाती है, पार्टनरशिप जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो एग्रीमेंट से की जाती है, और वो एग्रीमेंट भी क्या होना चाहिए, वॉलेंटरीली एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी अपन जो पर्सन पार्टनर बनना चाहते हैं वो अपनी सहमति से, अपनी स्वेच्छा से आ सकता है, अपनी वॉलेंटरीली आ सकता है, ऐसे नहीं अपन को घीस के लेके आना है, उसको पकड़ के लेके आना है, नहीं पकड़ के नहीं लाना है, ठीक है, अपनी इच्छा से आएगा और एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप मत रिजल्ट, पार्टनरशिप बनेगी तब जब टू और मोर पर्सनों के बीच में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, पार्टनरशिप बनेगी जब जब टू और मोर पर्सनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, ठीक है, पार्टनरशिप का जन्म ही किससे होता है, एग्रीमेंट से होता है, ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, इट कैन, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, इट कैन रेज ओनली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटस। अब यहां पर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, दो पर्सनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना, टर्म्स एंड कंडीशन को समझना, दो पर्सनों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको समझना,
उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसे एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेटस नहीं, स्टेटस से नहीं बेटा, स्टेटस से यहां पर पार्टनरशिप नहीं होगी, यहां पर स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं होगी। स्टेटस का मतलब मान लो कि भैया मैं एक टीचर हूं, मैं कोचिंग चला रहा हूं, तो मैंने सोचा कि यार ये टीचर बहुत ज्यादा फेमस है, मैं क्या बना लेता हूं, इसका स्टेटस बहुत अच्छा है, इसको मेरे पापा भी जानते हैं, मेरे दादाजी भी जानते हैं, बहुत अच्छा स्टेटस है, ठीक है। इनको बिना टर्म्स एंड कंडीशन समझाए मैंने क्या कर लिया, पार्टनर बना लिया, वैलिड ही नहीं है, वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से नहीं बनता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, एग्रीमेंट से बनता है, ठीक है, क्लियर। वो मेरे जानकार हैं, वो मेरे फेमस हैं, फेमस टीचर है, उनको मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो उनके बीच में भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगे, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटन हो, होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस तो बनेंगे, तो पार्टनरशिप मानी जाएगी, ठीक है। तो उनके और मेरे बीच में पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आप कि जैसे कि फैमिली बिजनेस होता है, फैमिली बिजनेस में जरूर आपका स्टेटस काम आता है, फैमिली बिजनेस में आपका जरूर स्टेटस काम आता है। जैसे पहले दादाजी करते थे बिजनेस, ठीक है, पहले दादाजी करते थे, फिर पापा जी करते, दादाजी गए तो पापा जी, और फिर उनके बेटा बिजनेस कर रहा है, तो फैमिली जो बिजनेस होता है उसमें जो मेंबर्स काउंट होते हैं वो सारे आपके कौन से होते हैं, स्टेटस से। या जॉइंट फैमिली जो होती है तो जॉइंट बिजनेस करते हैं, वो दादाजी का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, कंटिन्यू चला रहे हैं जो दादाजी करते थे, तो वो फैमिली जो बिजनेस है वो जरूर आपके स्टेटस से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए तो एक एग्रीमेंट कराना होगा, ठीक है। और जो एग्रीमेंट है उसका नेचर, जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा उसका नेचर वॉलेंट्रीली एंड कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। जो पार्टनरशिप का जो नेचर है ना वॉलेंट्रीली एंड कॉन्ट्रेक्चुअल है। मैंने आपको बताया एग्रीमेंट तो कराना पड़ेगा, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हो कि एग्रीमेंट कर, एग्रीमेंट करने तो तेरे परिवार को मैं, तेरी फैमिली वाले को मैं नुकसान पहुंचाऊ, नहीं, अपनी इच्छा से आओ, अच्छा लगता है तो एग्रीमेंट, ठीक है, वॉलेंट्रीली एग्रीमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद है, ये नोट डाउन करो, ये दो पॉइंट जो मैंने अभी पढ़ाए हैं उनको नोट डाउन करो फटाफट, तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे फिर। कर लिया, चलो तीसरा पॉइंट है आपका, यहां पर जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, ध्यान देना तीसरे वाले पॉइंट पर, द एग्रीमेंट अमंग, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो क्या बताता है, वो एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं दो से अधिक पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो, वो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या बताता है, वो आपकी बेसिक रिलेशन को बताता है, वो क्या बताता है, द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, जो पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक तरीके से आपके रिलेशन का आधार होता है, आपके रिलेशन का बेसिस होता है, बेस होता है, ठीक है, ताकि आप में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई आपने देखो इस पर सिग्नेचर कर रखा है तो इसके अगेंस्ट ना जाओ। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने अपने बीच में पार्टनरशिप हुई थी तो आपको, आप ये रूल्स तोड़ रहे हो, ठीक है, तो रिलेशन बन जाता है, ठीक है, अपन को लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसको उसका जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको बार बार ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ेगी बस, ठीक है। अब वो एग्रीमेंट जो हमने किया है, जो रिलेशन बनाया है टू और मोर पर्सन के बीच में, वो क्यों बनाया है, किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर वेंचर का मतलब है कि पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर वर्क का मतलब डैम बनाना है,
तो डैम बनाना है तो 5% मिलके नहीं, वो डैम बनाना पूरा करना है, क्योंकि एक अकेला पर्सन इतनी डैम जाता है 800 करोड़ में, 1000 करोड़ में, इसमें जाता है, तो आप अकेला पर्सन उसको रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए टू और मोर पर्सन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप काम आती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेंचर क्या हो गया, डैम बनाना, ठीक है, फॉर ए पीरियड, फॉर पीरियड के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, अरे यार चलो ऐसे करते हैं 2 साल के लिए अपन ये बिजनेस ओपन करके देखते हैं, यदि ये 2 साल अपना ये बिजनेस ओपन हो गया अच्छे से चला तो अपन आगे के लिए उसे एक्सटेंड कर लेंगे, और अदरवाइज, ठीक है। एट विल, इच्छा से, कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया, होगा जब हो जाएगा प्रॉफिट, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एट विल अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ये जो अपना जो रिलेशन बनाया है वो किसी पर्टिकुलर वेंचर को हायर करने के लिए बनाया है, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है, जो हमने टू और मोर पर्सनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड हो सकता है, ठीक है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, वो ओरल एंड रिटन हो सकता है, वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है, या ओरल एंड रिटन हो सकता है, यानी एग्रीमेंट ओरल में हो चाहे रिटन में हो कोई दिक्कत नहीं है, रिटन में है तो इन फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई डिस्प्यूट हुआ तो इजीली सॉल्व हो जाता है रिटन में है तो, और ओरल में हुआ ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ओरल में होती है तो कुछ प्रॉब्लम आती है ना, कोई झूठ बोल जाए, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ओरल में तो, है ना। और रिटर्न में आप एग्रीमेंट करोगे तो 5 साल बाद भी आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन देख के उसको याद दिला सकते हो, देखो भैया आपने ये बात बोली थी, आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि भाई गलती मेरी है, ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिस्प्यूट इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। और दूसरी बात, यदि आप ओरल में रिटर्न रखोगे, रिटर्न में आप एग्रीमेंट रखोगे, तो आप एक तरीके से कोर्ट में भी, यदि ज्यादा बड़ी बात हो गई तो आप कोर्ट में क्या कर सकते हो, एज ए इविडेंस उसे रख सकते हो, एज ए इविडेंस के रूप में आप उसे रिटर्न एग्रीमेंट को प्रस्तुत कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस, किसी बिजनेस को हमने जो एग्रीमेंट किया है वो मजा मस्ती के लिए नहीं किया कि हमको हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा के आना है, चलो दोनों मिलके नहीं प्रसाद चढ़े आते हैं, नहीं, हमने जो एग्रीमेंट किया है वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए किया है, ठीक है। बिजनेस शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस, जो एग्रीमेंट किया है वो शुड बी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज इसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरत है, अति आवश्यक पॉइंट ये है कि आप पार्टनरशिप, मैंने आपको बताया हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाने के लिए अपन 2% नहीं मिल रहे, किसी बिजनेस को करने के लिए, और बिजनेस भी क्या होना चाहिए, लीगल, इलीगल बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस भी लीगल होना चाहिए, उसके लिए हमने एग्रीमेंट किया है भैया, है ना, क्लियर। तो ये वाला अपना क्लियर हुआ, एग्रीमेंट आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो, 2 पॉइंट तो ये थे आपके, इनको नोट डाउन करना है, कर लिया, वीडियो पॉज करके बेटा कह कर बोल दिया हूं मैंने, ठीक है। और 1 पॉइंट ये, ठीक है, हाँ इनको नोट डाउन कर लो, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। बिजनेस, तीसरी टर्म्स आ गई, बिजनेस होना जरूरी है भैया, बताया था मैंने बिजनेस होना जरूरी है, तीसरा पॉइंट है हमारा बिजनेस होना जरूरी है, इसेंशियल पॉइंट क्या है, बिजनेस होना जरूरी है, लेकिन क्या बिजनेस कैसा भी हो, चोरी करने का बिजनेस होना चाहिए नहीं, क्या चोरी करने का बिजनेस भी चलेगा क्या, जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। द बिजनेस फॉर विच पार्टनरशिप इज फॉर्म, जिस पार्टनरशिप फॉर्म को, जिस बिजनेस के लिए अपन ने फॉर्म किया है
पार्टनरशिप को जिस बिजनेस के लिए हमने बनाया है, ठीक है, वो मस्ट बी लीगल, वो लीगल होना चाहिए, मस्ट बी लीगल, लीगल होना चाहिए। और जो बिजनेस का जो नेचर होता है वो रिकरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टाइप होता है, रिकरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई डोनेशन नहीं दे रहे हम, दान, हम कोई डोनेशन देने हनुमान जी के मंदिर पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रिकरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान दो, जो आपका बिजनेस है, बिजनेस की डेफिनेशन हम दे रहे हैं। अब यहां पर हम बिजनेस की डेफिनेशन, ये तो आपको पता चल गया, बिजनेस लीगल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है ना, इनलीगल नहीं होना चाहिए। अब हम बिजनेस की डेफिनेशन दे रहे हैं कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन है कि बिजनेस एक ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटी है, बिजनेस एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटी है जिसे किसी पर्सन द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। बिजनेस एक ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटीज का एक सेट है जिसे किसी पर्सन द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है उन एक्टिविटीयों को, और उनका जो पर्पज होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। और सेट ऑफ एक्टिविटी जो कर रहा है ना वो पर्सन, वो डेली जो एक्टिविटीज कर रहा है, रेगुलर एक्टिविटीज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है। तो इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब यदि समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान के चलो आपके घर में आपकी मम्मी डेली आपको सुबह जैसे ही आप गुड मॉर्निंग करते हो ऐसे ही आपको मम्मी क्या करती है? चाय बना के देती है। वो डेली करती है, जैसे ही आप गुड मॉर्निंग करते हो आपको मम्मी चाय बना के ला देती है। मम्मी चाय बनाने का जो सेट ऑफ एक्टिविटीज है वो डेली कर रही है, रेगुलर है, किसी पर्सन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जा रहा है? क्या आपकी मम्मी आपसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए करती है क्या ये? नहीं। इसका मतलब आपकी मम्मी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज कर रही है वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब मैं सेम एक्टिविटी पे जाता हूँ, आप होटल पे जाते हो, आप होटल पे जाते हो, होटल पे चाय पीने जाते हो, तो वही काम, जो सेम काम आपकी मम्मी करती है, वो सेम वर्क, सेम एक्टिविटीज वो होटल वाला करता ही नहीं करता, चाय बनाता है और चाय आपको एक ग्लास में सर्व कर देता है। क्या वो भी बिजनेस नहीं है? आपकी मम्मी ने जो किया वो सेट ऑफ एक्टिविटी, वो तो आपने बोला कि बिजनेस नहीं है। क्या जो होटल वाला कर रहा है क्या वो भी बिजनेस नहीं है? क्या है? वो तो बिजनेस है, क्योंकि वो उसका उस सेट ऑफ एक्टिविटी का पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है उस एक्टिविटी से, तो वो बिजनेस माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वो बिजनेस माना जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो तो बताएं। अरे प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं, ठीक है। हाँ, उसके बाद है बिजनेस इज एन एक्टिविटी। जो बिजनेस जो एक्टिविटी है उसमें ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। बिजनेस जो है उसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक्टिविटीज को शामिल किया गया है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग पर्सन अपना टाइम डेवोट करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, क्योंकि वो अपना टाइम, फालतू का टाइम क्यों उसमें डेवोट करता है? वो अपने एफर्ट्स क्यों लगाता है? क्योंकि वो इसलिए एफर्ट्स लगाता है कि उसका पर्पज क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मैं भंडारा लगा रहा हूं, मैं अपना टाइम डेवोट कर रहा हूं, मैं अपने इतने प्रयास कर रहा हूं भंडारा लगाने के लिए, क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगा रहा हूं क्या? यदि भंडारा लगाया तो मैंने टाइम भी डेवोट किया, एफर्ट्स भी लगाए, ठीक है, क्लियर। लेकिन उसे बिजनेस आपने नहीं बोला क्योंकि वहां पर मेरा प्रॉफिट अर्न करना इंटेंशन नहीं था,
लेकिन जहां पर मैं अपना टाइम डेवोट कर रहा हूँ, अपना एफर्ट्स लगा रहा हूँ और मेरा पर्पस यदि प्रॉफिट अर्न करना है उस एक्टिविटी से, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखना, इलीगल बिजनेस को यदि आप ऐसी कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो जिसका पर्पस ही इलीगल है, क्लियर? ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसका पर्पस ही इलीगल हो। ठीक है, तो यानी इलीगल बिजनेस विल नॉट बी कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स की डेफिनेशन में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। बिजनेस तो है लेकिन इलीगल है, तो उसे हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। जैसे स्मगलिंग, स्मगलिंग करना क्या है? बिजनेस तो है लेकिन वो क्या है? इलीगल है, तो इसको हम पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे। बिजनेस में तो शामिल किया जाएगा, लेकिन मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया आपको कि बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो इलीगल को हम बिजनेस तो कहेंगे लेकिन पार्टनरशिप नहीं कर सकते इसे। ठीक है, क्लियर? तो मैंने एक चाय वाला एग्जाम्पल आपको दे ही दिया, नोट डाउन कर लो फटाफट, फटाफट नोट डाउन करिएगा। आगे भी पॉइंट पढ़ेंगे अपन, बिजनेस के काफी बड़ा पॉइंट है। क्लियर है? चलो उसके बाद आ जाओ आप बिजनेस, बिजनेस ही कंटिन्यू रखते हैं। बिजनेस, बिजनेस के टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं वो हमको यहां पर पढ़ने हैं। टाइप ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है जहां पर फार्मर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब जहां पर फार्मर से, किसानों से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे मार्केट में बेचते हैं। तीन एक्टिविटी हुई, फार्मर से हमने कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसे हमने मशीन के थ्रू से फिनिश गुड्स बनाया और फिर हम उसे मार्केट में बेचने गए। ठीक है, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, दूसरा किस टाइप का बिजनेस हो सकता है? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब बना बनाया माल। एक बच्चा कह रहा है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक एग्जांपल दे दो। अरे सुगर कैन, गन्ना, सुगर कैन आप क्या करते हो? फार्मर से परचेज करते हो, उसे मशीन के थ्रू क्या बनाते हो? चीनी बनाते हो, सुगर बनाते हो और फिर उसे मार्केट में बेच के आते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सही कॉन्सेप्ट, क्लियर? फिर है नेक्स्ट है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है मार्केट से अपन ने फिनिश गुड्स खरीदा और किसी दूसरे को अपने बेच दिया, मार्केट में किसी दूसरे को बेच दिया, किसी से खरीदा किसी को बेचा, कोई भी उसमें कन्वर्टिंग वाली एक्टिविटी नहीं की। जैसा आया माल जैसा ही बेच दिया। मोबाइल मैंने चाइना से मंगाया 10,000 का, मैंने इंडिया में 15,000 रुपये में बेच दिया, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। मैंने मोबाइल मैंने नहीं बनाया, मैंने तो फिनिश गुड्स लिया चाइना से 10,000 रुपये का और बेच दिया नेक्स्ट पर्सन को 15,000 रुपये में, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद है सर्विस बिजनेस, जिसमें किसी प्रोडक्ट को बेचा नहीं जाता, किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाता, कोई गुड्स नहीं होता, इसमें सर्विसेज होती है। सर्विसेज बिजनेस में सर्विसेज को डील किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस रेंडर्ड की जाती है। जैसे इसमें सर्विस रेंडर्ड की जाती है, जैसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस रेंडर करेगा, तो जैसे डॉक्टर हुआ, सीए हुआ, लॉयर हुआ, ठीक है, ये क्या होते हैं? अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। ठीक है, क्लियर? सीए आईटीआर बढ़ता है, रिटर्न बढ़ता है, ठीक है, जीएसटी रिटर्न बढ़ दिया, इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ दिया, तो आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ा ना बेचा है, बस आप अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में आप उसे पैसा दोगे, तो वो क्या हो गया? सर्विस बिजनेस हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं बिजनेस की सही डेफिनेशन क्या है, बिजनेस में क्या क्या समझ,
इंक्लूड किया जाता है, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया भैया। आपके समझ में आया कि बिजनेस में सर ने क्या गचपच कर दिया? बिजनेस में पता नहीं क्या क्या शामिल किया जाता है भैया। क्या ही बुकों में लिखा हुआ है कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए जो एक्टिविटी करते हो वो बिजनेस है। अरे मैं खाना खाता हूँ वो भी बिजनेस है क्या? पानी पीता हूँ वो भी बिजनेस है क्या? वो भी तो जीविका चलाने के लिए करता हूँ। मैं तो नहीं मानता, लेकिन काफी पर्सन बोलते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए, जीविका मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, अपना ठीक है लाइवलीहुड चलाने के लिए जो एक्टिविटी करते हो वो सब बिजनेस में शामिल किया जाता है। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता का मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा। आप बोलते हो मैं पानी पी रहा हूँ, ये भी तो मैं अपनी जीवन बचाने के लिए कर रहा हूँ, अपनी लाइफ बचाने के लिए कर रहा हूँ। क्या ये बिजनेस है? तो बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है, इसकी सही डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने इसकी सही डेफिनेशन दी है, जो आप आगे जाके नहीं पढ़ोगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड आपका ये सेगमेंट माना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट माना जाता है, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है, काफी इजी है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसने अपन को एक अच्छी चीज बता दी बस, कि यानी सही बात करता है, थोड़ी सी समझदार आदमी है तो ये सही बात करता है। इसने बिजनेस के बारे में हमको बताया है कि बिजनेस में आप क्या शामिल करोगे। बिजनेस में आप कॉमर्स को शामिल करो, सर कॉमर्स जो हमने ले रखी है, हाँ ये बिजनेस है। प्रोफेशन को शामिल करो और वोकेशन को शामिल करो। बिजनेस में तीन चीज शामिल की जाती है, कॉमर्स, प्रोफेशन एंड वोकेशन। बिजनेस में तीन ही वर्ड आते हैं, कॉमर्स, प्रोफेशन एंड वोकेशन, ठीक है, बिजनेस में तीन वर्ड आते हैं, ठीक है। अब वन बाय हम पढ़ते हैं कि बिजनेस में ये तीन वर्डों को क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आ जाओ कॉमर्स, आपने नोट डाउन करना है क्या? तो ये तो आपने कर लिया होगा, ये नोट डाउन नहीं किया है, बिजनेस चल रहा था अपना, नोट डाउन करो फटाफट, नोट डाउन करने में इतना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, कर लिया, चलो ये करो नोट डाउन, टाइप ऑफ बिजनेस, फटाफट फटाफट नोट डाउन करो। पढ़ लिया, टाइप ऑफ बिजनेस, वीडियो पॉज करके बेटा ऐसे। उसके बाद हमने यहां पर बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कॉमर्स, प्रोफेशन एंड वोकेशन, ये पढ़ा, नोट डाउन करो। किसने बताई ये डेफिनेशन? इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बताई है, ठीक है। हाँ आ जाओ, अब सबसे फर्स्ट हम तीनों वर्डों के बारे में जानते हैं। प्रोफेशन, कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स में दो वर्ड शामिल किए गए हैं, ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तीन वर्ड पढ़े थे ना हमने ऊपर, उसमें हम सबसे फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्स। कॉमर्स में हम शामिल करेंगे एक तो ट्रेड और दूसरा ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। ट्रेड का मतलब होता है कि गुड्स के बदले में पैसा, यानी एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फॉर मनी, पैसा दो सामान लो, इसे ट्रेड बोलते हैं। पैसा दो सामान लो, इसे हम ट्रेड बोलते हैं। और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी दूसरी है, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी जैसे बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों को हम ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी में काउंट करते हैं। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो आप, क्लियर है? कॉमर्स में हम दो वर्ड शामिल करते हैं, ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फॉर मनी, ठीक है, और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसमें तीन शामिल किए गए हैं, बैंकिंग सेक्टर को, कम्युनिकेशन सेक्टर को एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट प्रोफेशन। आ जाओ भैया, आपने कॉमर्स नोट डाउन कर लिया ना, फटाफट नोट डाउन
नोट डाउन साथ के साथ करते हुए चला करो। कर लिया, आ जाओ फटाफट प्रोफेशन पर। ये प्रोफेशन क्या है भैया, ये प्रोफेशन है क्या, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मतलब तीन वर्ड पढ़े थे, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, तो सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है कि ऐसी हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी एंड टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी हाईली एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसमें इंटेलिजेंसी एंड टैलेंट की आवश्यकता होती है, उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ हाई इंटेलिजेंसी और हाई टैलेंट की आवश्यकता होती है, उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। भैया वो कौन सी एक्टिविटी होती है, वो कौन सी एक्टिविटी होती है? वो एक्टिविटी होती है बेटा एमबीबीएस। एमबीबीएस एक्टिविटी करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, बीटेक एक्टिविटी करोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे, आप सीए करोगे तो ऑडिटर बन जाओगे, और आप एलएलबी करोगे तो आप लॉयर बन जाओगे। ये एक्टिविटी करोगे तो आप ये बन जाओगे, यानी आपको इसके लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक जैसी हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑडिटर बनना है तो सीए जैसे इंडिया का टफेस्ट कोर्स के लिए आपको हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। लॉयर बनना है, वकील बनना है, एलएलबी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखना कि यदि आपको प्रोफेशन का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जहां पर हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता तो पड़ती है, इंटेलिजेंसी एंड टैलेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। समझ में आया बेटा प्रोफेशन का मतलब? आप जो पढ़ाई कर रहे हो प्रोफेशन के लिए तो कर रहे हो, क्लियर? तो नोट डाउन करो फटाफट, यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट प्रोफेशन के आगे चले, चलो प्रोफेशन के आगे है वोकेशन। प्रोफेशन के आगे क्या है? वोकेशन। ये वोकेशन क्या है, तीसरा वर्ड आ रहा है इसमें बिजनेस में, वोकेशन। ये वोकेशन क्या है भैया, ये वोकेशन क्या है, कोई बता सकता है वोकेशन क्या है? वोकेशन एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें मोर एक्सपीरियंस एंड इफिशियंसी की आवश्यकता होती है। एक वोकेशन एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें मोर एक्सपीरियंस एंड इफिशियंसी की आवश्यकता होती है, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इस एक्टिविटी के लिए कोई हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई इफिशियंसी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी वोकेशन के लिए क्या चाहिए? ऐसी एक्टिविटी जहां आपको मोर ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस एंड इफिशियंसी की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, नॉट इज रिक्वायर्ड वॉट एवर द क्वालिफिकेशन लेवल में भी। आपका क्वालिफिकेशन लेवल चाहे कुछ भी हो, आप टेंथ पास हो नहीं हो, आपने ग्रेजुएशन की है नहीं की है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने काम में क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसे हम वोकेशन कहेंगे। जैसे कारपेंटर, कारपेंटर का जो काम होता है पूरा ही पूरा क्या होता है, एक्सपीरियंस का होता है, एक्सपीरियंस का होता है कारपेंटर का पूरा काम, एक्सपीरियंस। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना उसको उसके लिए हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। कोई किसी को गाना गाना पसंद है ना, किसी को सिंगिंग है ना, म्यूजिशियन म्यूजिक बजाना पसंद है, ठीक है, तो ये बताओ कि वो म्यूजिशियन के लिए मोर एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हर आदमी सेम टाइप का म्यूजिशियन
एक सुंदर म्यूजिशियन बना सकता है क्या, बजा सकता है क्या? नहीं, उसके लिए एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? एक्टर, एक्टर ये बताओ, एक्टर को पढ़ने की जरूरत है क्या, एजुकेशन की जरूरत है क्या? लेकिन एक अनएजुकेटेड पर्सन भी क्या कर सकता है, एक अच्छी एक्टिंग करके भी किसी दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसे हम एक्टर बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड स्मिथ सोने का काम करते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं गोल्ड स्मिथ। स्पोर्टमैन जो आपके जो क्रिकेटर होते हैं, जरूरी है क्या वो पढ़े लिखे हों, इंग्लिश अच्छी आती हो, उन्होंने बीटेक की हुई हो, तभी स्पोर्ट्समैन बनेगा? नहीं, उनको यदि अपनी क्रिकेट की एक्टिविटी में अच्छा एक्सपीरियंस है, ज्यादा मोर इफिशिएंसी है, तो स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। आर्टिस्ट कलाएं, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, वॉशरमैन, ठीक है, डांसर, सिंगर, पेंटर या प्लेयर, कोई भी प्लेयर, इन सब के लिए मोर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम बोलते हैं वोकेशन। ठीक है, वोकेशन में शामिल करते हैं इन पर्सनों को। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर, क्लियर है? चलो, नोट डाउन किया आपने? अरे बताओ, नोट डाउन किया क्या? नहीं किया करो ना, नोट डाउन कर लो भैया। चलो आ जाओ फटाफट, वोकेशन कर लिया। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आपको थोड़े बहुत चुभेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पीस ऑफ लैंड, पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है, उसे खरीदना है, लेकिन महंगा बहुत ज्यादा है, अकेला पर्सन नहीं खरीद सकता। तो मैंने क्या किया, एक पर्सन को और शामिल कर लिया। भैया 50 लाख का एक प्लॉट है, उसमें 25 लाख तुम दे देना, 25 लाख मैं दे दूंगा। ठीक है, क्या वो बिजनेस करने गए थे क्या? नहीं, वो बिजनेस करने गए थे क्या उसका? उसने तो केवल उस लैंड का ओनर बने हैं। ठीक है, तो उन ऑन जो को जो ओनर बने हैं, दो पर्सन ओनर बने हैं, उनको पहली बात तो को ओनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को ओनर। ठीक है, क्लियर, उनको मालिक बोला जाएगा, और उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसे कोई पार्टनरशिप नहीं है, ना कोई बिजनेस है, वो बिजनेस भी नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल दिया था कि मैंने हनुमान जी के वहाँ पर या महादेव जी के मुझे एक भंडारा लगाना है। ठीक है, या 5 लाख रुपये वो देना है, तो मैंने दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया कि यार दोनों मिलके नहीं दे देते हैं 5 लाख रुपए, क्या ये पार्टनरशिप है क्या? प्रॉफिट अर्न करना है मेरा ये एक्टिविटी? नहीं, तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, पार्टनरशिप नहीं मानी गई है। इसको क्या नहीं माना गया है? पार्टनरशिप नहीं माना गया है। ठीक है, क्लियर। बट कंपनी में बी फ्लोटेड ऑन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पार्टनरशिप में जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यदि किसी बिजनेस में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उसमें हम पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यदि कंपनी खोली गई है और किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए कंपनी खोली गई है, तो वो शामिल हो सकती है, कंपनी हो सकती, कंपनी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। डोनेशन देने का काम पार्टनरशिप में नहीं चलेगा, कंपनी में चल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो एक एसोसिएशन है, एक एग्जांपल दिया गया, एक एसोसिएशन है जिसे चैरिटेबल पर्पज के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए, सोशल पर्पज के लिए बनाया गया था, तो उसे हम कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उसका उद्देश्य क्या नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट अर्न करना नहीं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो फास्ट।
फास्ट से फास्ट नोट डाउन करिएगा। तीन एलिमेंट अपन ने कर लिए हैं, तीन एलिमेंट कर लिए अपन ने, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए हमने थ्री एलिमेंट्स कर लिए हैं। कौन कौन से एलिमेंट किए हैं? टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट के लिए बिजनेस होना जरूरी है। ये तीन यदि वर्क हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप में काउंट करेंगे। यदि ये तीन वर्क नहीं हो रहे तो हम उसे पार्टनरशिप में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तीन नहीं, मैंने सात बताए थे, लेकिन लेकिन आज टाइम हो गया है, ठीक है, आज टाइम हो गया है, तो हम आज केवल यही यहाँ तक ही पढ़ेंगे। म्यूचुअल एजेंसी जो नेक्स्ट है, फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ एलिमेंट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज नहीं करेंगे उसे, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो बेटा वापस आपको एक बार वीडियो देखनी है, ठीक है, वापस वीडियो देखनी है, नहीं समझ में आई है तो, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वैसे प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, मैंने सब एक वन जो भी सारे पॉइंट्स है वन बाय वन क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ऐसे कोई पॉइंट्स है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और आए भी तो, यदि प्रॉब्लम आ भी रही है तो छुपाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कॉल करो, जब प्रॉब्लम आ रही जब ही कॉल करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर कहां से मिलेंगे, कॉल नंबर कहां से मिलेंगे, वो आपको कहां मिलेंगे, एप्लीकेशन में आपको आप कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप नंबर लीजिए, ठीक है, और मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ओके। या हमने पूरी अरेंजमेंट एप्लीकेशन में की हुई है, ठीक है, आप वहां पर क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो, क्लियर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बता दो, कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं ना, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।